हेलो बच्चों, तो अपने इस वीडियो में हम लोग लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द सिंबल्स लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू नोन एज इन इक्वेलिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसमें चारों में से कोई सिंबल्स होते हैं। जैसे अगर आपने देखा कहीं लिखा हुआ एक्स ग्रेटर देन 4, ठीक है, तो चूंकि ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये इस इनइक्वालिटी को इन्वॉल्व किए हुए है, इसीलिए इस सिंबल को इन्वॉल्व किए हुए है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे इनइक्वालिटी। है ना, ये जो स्टेटमेंट्स है हमारा ये इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब देखिए, अगर ये इनइक्वालिटी ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0 या ए एक्स प्लस बी लेस देन 0 या ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या ए एक्स प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, इन चारों में से किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो ए एक्स प्लस बी लेस देन 0 के फॉर्म में, चाहे ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0 के फॉर्म में, चाहे ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के फॉर्म में, या ए एक्स प्लस बी लेस देन और इक्वल टू के फॉर्म में, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को हम बोलेंगे लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक, इन इक्वेशन इसलिए क्योंकि इनइक्वालिटी को इन्वॉल्व किए हुए है, लीनियर इसलिए क्योंकि वेरिएबल की पावर वन है। ठीक है, वेरिएबल की पावर वन है और ये जो वन वेरिएबल है इसलिए क्योंकि वेरिएबल सिर्फ एक ही है इसमें। अब देखिए, अब इसमें दो टर्म्स और आती हैं, एक रिप्लेसमेंट सेट और एक सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन जैसे ही इक्वेशन में हमारा होता है कि सॉल्यूशन अननोन क्वांटिटी की वैल्यू होती है ना, सॉल्यूशन अननोन क्वांटिटी यानी वेरिएबल की वैल्यू होती है, ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन हमारा है 2x + 4 > 12। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 2x + 4 > 12, तो अगर हमें ये जानना है कि सॉल्यूशन क्या होता है, क्या वन इसका सॉल्यूशन हो सकता है, हम चेक करते हैं। ठीक है, जरा देखिए सॉल्यूशन एक्स की, देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन एक्स की ऐसी वैल्यूज होंगी, सॉल्यूशन एक्स की ऐसी वैल्यूज होंगी जो इस इनिक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी एलएचएस और आरएचएस में जो रिलेशन है ठीक है उसको सेटिस्फाई कर। रिलेशन क्या है कि लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होगी वो राइट साइड की वैल्यू से ग्रेटर होगी। ठीक है, तो देखते हैं, अगर हम एक्स की वैल्यू वन चेक करते हैं, ठीक, तो यहाँ पुटअप करते हैं वैल्यू, तो देखिए क्या आएगा, 2 * 1 + 4 और ये हो जाएगा आपका 2 + 4 यानी 6। ठीक है, अगर हम एक्स इक्वल टू यहाँ वन लेते हैं, अगर हम एक्स इक्वल टू यहाँ वन लेते हैं तो हम देखते क्या है कि लेफ्ट साइड 6 आती है ना, और हम जान रहे हैं कि लेफ्ट साइड 6 है तो वो कभी ग्रेटर देन 12 नहीं हो सकती। इसका मतलब एक्स की ये जो वैल्यू है ये इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो एक्स इक्वल टू 1 इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, बट अगर हम एक्स की जगह 5 लेते हैं, ठीक, 5 को हम चेक करते हैं, तो अगर हम 5 को चेक करते हैं तो ये होता है 2 * 5 + 4, एलएचएस हमारा, ठीक है, एक्स की जगह 5 पुट करेंगे तो 2 * 5 + 4 ये आपका हो जाएगा 10 + 4 और ये हो जाएगा 14। ठीक है, अब एक्स इक्वल टू 5 लेने पे ये लेफ्ट साइड की वैल्यू आपकी 14 आ रही है। ठीक है, कब, एक्स इज इक्वल टू 5 पे। ठीक, और हम जानना है कि 14 हमारा 12 से ग्रेटर होता है, यानी लेफ्ट साइड एक्स इज इक्वल टू 5 के लिए ग्रेटर देन राइट साइड है, और यही हमारा इनिक्वेशन है, यानी ये एक्स इज इक्वल टू 5 इस लीनियर इनिक्वेशन का सॉल्यूशन होगा।
ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। देखिए 6 अगर आप लेते हैं, 6 2 12, 12 4 16 तो भी हो जाएगी, 7 लेते हैं आप तो भी हो जाएगी। बट अगर आप सोचें कि 3 ले लें तो देखिए 3 2 6, 6 प्लस 4 10, तब नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम और समझते हैं। ठीक, अगर हम 2x+4 ग्रेटर देन 12 लिए, ठीक है, 2x+4 ग्रेटर देन 12 लिए, और क्वेश्चन में दिया आपको कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल की हेल्प से हम तीन चीज समझेंगे। पहली कि मेथड्स क्या है लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के, ठीक, मेथड्स के बाद रिप्लेसमेंट सेट क्या है और सॉल्यूशन सेट क्या है। ठीक है, इसी एग्जांपल से हम समझ लेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको हम लोग। देखिए, इसके लिए हमने किया क्या, ये जो क्वेश्चन हमने लिया था, ठीक है, कि 2x+4 ग्रेटर देन 12, ठीक है। अब देखिए, इसमें आप 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे, जैसे इक्वेशन में आप ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो 4 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 4, यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ है, इधर जाएगा तो 12-4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखिए, ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 8, ठीक, फिर 2 इधर ट्रांसफर होगा तो आप ये देखेंगे कि x ग्रेटर देन हो जाएगा 8/2, ठीक है, और ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 4, ठीक, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब देखिए, अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था यहाँ पे, अगर यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में x की जो वैल्यू हमें लेनी है वो नेचुरल नंबर से ही सेलेक्ट करनी है। जैसे सॉल्यूशन हमारा आया x ग्रेटर देन 4, बट कंडीशन क्या है कि x जो ग्रेटर देन 4 हमें लेना है वो नेचुरल नंबर वाले सेट से लेना है। ठीक है, हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो ऑल काउंटिंग नंबर्स को इन्वॉल्व करता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ये इन सारे नंबर्स को, है ना, ये जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं सबको कंटेन करता है। ठीक, क्वेश्चन में दिया है कि एक्स की वैल्यू हमें नेचुरल नंबर से सेलेक्ट करनी है, तो ये जो नेचुरल नंबर का सेट दिया है ना, जिसमें से हम एक्स की वैल्यू चूज करेंगे, कौन सी वैल्यू, वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और वो वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो हम उस वैल्यू को बस सेलेक्ट करेंगे। ठीक, x ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या, देखिए x ग्रेटर देन 4 का मतलब 5 6 7 8, इसी तरीके से ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब नेचुरल नंबर वाले सेट में से हमारा जो सॉल्यूशन निकल के आया वो आया 5 6 7 8 9, तो यहाँ जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आया उसमें ये पता चला कि x की वैल्यू जो होगी वो 5 6 7 8 9 10 ये होगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो सेट है जिसमें से हमने x की वैल्यूज को सेलेक्ट किया है, ये सेट है हमारे लिए रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, और ये जो x की वैल्यूज का सेट आया है वो सेट है हमारा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्लेसमेंट सेट आ जाएगा और सॉल्यूशन सेट, x की वैल्यू जिस सेट में से हम सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, वो रिप्लेसमेंट सेट होता है, और x की वैल्यूज का जो सेट होता है ना, उसको हम लोग सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। ठीक, अभी ये हो गया रिप्लेसमेंट सेट, सॉल्यूशन सेट, अभी ये हमारा मेथड जो है सॉल्व करने का वो कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे 2x की जगह -2x ले लेता हूँ, है ना, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बस ये भूल जाइएगा कि यहाँ इनइक्वालिटी दी है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे माइनस साइन ले रहा हूँ, बस थोड़ी सी चेंजिंग की है, यहाँ +2 था यहाँ मैंने -2 ले लिया। ठीक है,
अब देखिए, जब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं। आप ये सोचिएगा कि यहाँ ग्रेटर देन है ही नहीं, यहाँ इक्वल है, ठीक है। तो आपको पता क्या चलेगा कि ये बस उसी तरीके से जैसे लीनियर इक्वेशन हमने सॉल्व किया था, भाई 4 यहाँ प्लस है, इधर आया माइनस हो गया, ठीक है। तो आपको लगेगा कि इक्वेलिटी और इनइक्वेशन को सॉल्व करने में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक। बट अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, 4 उधर ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा 12-4, फिर -2x ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो अब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे +2 था, यहाँ पे -2 है, यही डिफरेंस है। लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल को जब हम सॉल्व करते हैं तो यही डिफरेंस है। जब हमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होता है इन इक्वेशन के दोनों साइड, इक्वेलिटी के साथ अगर इक्वल का सिंबल है तो आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस इक्वेलिटी के सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इन इक्वेशन के केस में, जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो हमारी इन इक्वेलिटी है ये रिवर्स हो जाती है, ठीक है। यानी जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये प्लस हो जाएगा 2x, इधर क्या होगा -8 हो जाएगा, और एक्स्ट्रा क्या है कि ये इनइक्वालिटी जो है हमारी ये रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसके बाद बाकी सारी चीजें सेम है, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x लेस देन -8/2, x लेस देन -4। तो हमें पता क्या चला कि जो मेथड है सॉल्व करने का लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल का, वो सेम लीनियर इक्वेशन की तरह है। बस एक बात का ध्यान देना हमें, एक डिफरेंस है कि जब हम माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, माइनस साइन से जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे नेगेटिव नंबर से तो हम क्या देखेंगे कि इनइक्वालिटी हमारी रिवर्स हो जाएगी। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो सेम जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बस एक पॉइंट ध्यान देना है कि जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वालिटी हमारी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हुआ। अब हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा सॉल्व 2x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 5। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स की जो वैल्यू है वो रियल नंबर में बिलोंग करेगी। यानी आप ध्यान दीजिए, ये जो रियल नंबर है हमारा, ये यहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट है, यही वो सेट है जिसमें से हमें एक्स की वैल्यू चूज करनी है, ठीक है, सेलेक्ट करनी है। एंड मार्क इट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, और सोल्यूशन को हमें नंबर लाइन पे मार्क करना है, ठीक। अब देखिए, तो हम इसके दो पार्ट करते हैं। पहला ये पार्ट, क्या है कि 2x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमने यहाँ नोट कर लिया कि 2x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब देखिए, पहले हम -3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो -3 जब इधर ट्रांसफर होगा तो यहाँ इधर आके +3 हो जाएगा। नाउ 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2+3, ठीक है। अब देखिए 2+3 यहाँ 5 हो जाएगा, तो ये आया 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक। अब ये जो आपका x है ना, ये 2 है यहाँ पे, तो इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/2। अब हम इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो जब यहाँ 2 इधर ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/2, तो यहाँ से मिला 5/2, आप जानते हैं 5/2 2.5 होगा, तो यहाँ से मिला कि x की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.5 होगी, ठीक है। अब ये सेकेंड हाफ पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या है कि 2x-3 लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है, कि 2x-3 लेस देन और इक्वल टू 5। -3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 5+3 है आपका, -3 इधर जाएगा +3 हो जाएगा, 5+3 हो जाएगा 8। ये 2x लेस देन और इक्वल टू 8, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 8/2 हो जाएगा
देखिए 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, यानी एक्स लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज आई एक्स की अलग अलग। ठीक, तो अब एक्चुअल में सोल्यूशन होगा क्या? ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा, ये दो वैल्यूज हैं एक्स की, है ना। अब इन दोनों वैल्यूज में जो वैल्यूज कॉमन होंगी, इन दोनों वैल्यूज में जो वैल्यू कॉमन होगी वो इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको इस तरीके से क्यों बता रहा हूँ, इस तरीके से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे भी जो क्वेश्चंस आएंगे, जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो थोड़े टफ होंगे, है ना, तो उसमें ये हमें ये सारी चीज़ें हमें आना चाहिए। तो देखिए ये एक पार्ट आया कि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.5 है, दूसरा पार्ट कि एक्स लेस देन और इक्वल टू 4 है। दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.5 देखते हैं नंबर लाइन पे। 2.5 आप जान रहे हैं कि 2 और 3 के बीच का जो पॉइंट होगा ये 2.5 होगा। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन, ग्रेटर मतलब बड़ा। ठीक है, तो अगर वैल्यू बड़ी है तो राइट साइड होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू इक्वल भी है तो इक्वल भी, यानी 2.5 को भी हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हमारे सोल्यूशन में ये 2.5 भी आएगा। ठीक, तो ये एक्स की वैल्यू हो गई यहाँ से यहाँ तक, इन्फिनाइट तक जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ क्या है कि एक्स लेस देन 4, लेस देन और इक्वल टू 4, तो एक्स लेस देन और इक्वल टू 4 है, यानी 4 से छोटी है वैल्यू और 4 के इक्वल भी है। ठीक है, इसलिए हम 4 को भी इंक्लूड करेंगे, तो 4 को भी जब आप इंक्लूड करेंगे तो ये वैल्यू इसकी होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक, आप देखिए दोनों सोल्यूशन में कॉमन पार्ट क्या है, ये पार्ट कॉमन है, इसीलिए ये हमारा इन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। कौन सा? यहाँ से यहाँ तक। ठीक, यानी ये हमारा इन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इसको हम लोग ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे 2.5 से 4 तक। ठीक, तो ये नंबर लाइन पे हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी, ये एक्स की वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.5, लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, इसको ऐसा नहीं है कि हम और तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते थे, बिना दो पार्ट किए भी हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन दो पार्ट करने से हमारे जो अगले जो क्वेश्चन है, देखिए अगर यहाँ पे एक्स दिया होता, ठीक है, एक्स दे दे तो हर हाल में आपको दो पार्ट में करके सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक, इसीलिए हमने दो पार्ट में सॉल्व करके इसको किया है। ठीक है, अब देखिए दो पार्ट में करके ही सॉल्व किया है। अब देखिए अगर दो पार्ट में नहीं आप करना चाहते तो कैसे आप करेंगे इसको, ये आपका 2x-3 है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, हमें x की वैल्यू यहाँ चाहिए, यहाँ -3 है, तो हम क्या कर रहे हैं पूरे इनइक्वालिटी में, ठीक है, पूरे इनइक्वालिटी में हम +3 ऐड कर दे रहे हैं, तो +3 हम इधर ऐड करेंगे और +3 इधर भी ऐड करेंगे, +3 ये हो गया। ठीक है, तो जब +3 ऐड करेंगे तो देखिए ये 3 और 2 5 हो जाएगा, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक, 2 को अब यहाँ 2x, हम x की वैल्यू चाहिए तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, लेस देन और इक्वल टू ये होगा 2x/2, लेस देन और इक्वल टू 8/2। ठीक है, तो आप देखिए जो 5/2 है ये हो जाएगा आपका 2.5, लेस देन और इक्वल टू x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 4। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और मेरी एडवाइस है कि आप इसी तरीके से करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है गिवन दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि जो x है हमारा वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो x हमारा रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, इसलिए रियल नंबर यहाँ हमारा हो जाएगा रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। ठीक, हमें सॉल्व करना है और सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखिए जब रियल नंबर होता है, रियल नंबर, तो रियल नंबर के केस में, रियल नंबर के केस में ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं नंबर लाइन पे सब रियल नंबर का पार्ट होते हैं, जितने भी ये पॉइंट्स होते हैं सारे के सारे नंबर्स हमारे
रियल नंबर के पार्ट होते हैं, ठीक है। बट नेचुरल नंबर के केस में 1, 2, 3 ये जो मार्क है बस ये आता है, होल नंबर के केस में 0, 1, 2, 3, इंटीजर के केस में ये, ठीक है। तो लेकिन रियल नंबर के केस में ये पूरा ही आएगा आपका। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या हमारा, क्वेश्चन है कि 3 + 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ठीक है, लेस देन 23। तो दो पार्ट जैसे पिछली बार किए थे तो दो पार्ट इसको भी सॉल्व करेंगे। दो पार्ट में ये पहला पार्ट लिया 3 + 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखिए पहले हम 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3 यहाँ पॉजिटिव इधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 - 3 ये आपका -4 हो जाएगा, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे। अगर ये माइनस साइन इधर होती तो हम पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते और मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी हमारी रिवर्स हो जाती, इस बात का हम ध्यान रखते, ठीक है। फिलहाल यहाँ +4 है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 4 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -4/4। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा आपका और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया, ठीक। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 3 + 4x < 23, ये आपका 3 + 4x < 23, ठीक है। अब देखिए इस 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 3, इधर जाएगा -3 हो जाएगा, 4x 23 - 3 हो जाएगा आपका 20, ठीक। 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 20/4, 4 से कैंसिल आउट होगा, 4 × 5 = 20 और ये आ जाएगा x < 5। तो ये दो पार्ट इसके मिले, दो सोल्यूशन, ठीक है। इसका इस पार्ट का सोल्यूशन ये मिला, इस पार्ट का सोल्यूशन ये मिला, ठीक। अब इस इनिक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा, ठीक है, वो इसका सोल्यूशन होगा, ठीक। अब चलिए देखते हैं कॉमन पार्ट कौन सा होगा। चलिए देखिए एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, चूंकि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है इसलिए हम -1 को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ग्रेटर देन राइट साइड हमें जाना है, ये हो गया इसका सोल्यूशन। इसका क्या है, एक्स लेस देन 5, लेस देन 5 है तो इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते 5 को, तो ये ओपन सर्किल हो जाएगा और ये इसका सोल्यूशन। लेस देन 5, लेस जब होता है तो हम लेफ्ट साइड आते हैं, ग्रेटर जब होता है तो हम राइट साइड जाते हैं, ठीक है। तो अब कॉमन सोल्यूशन क्या हुआ, कॉमन सोल्यूशन हमारा ये हुआ, देखिए ये है ना। अब ये वैल्यू क्या होगी, ये 5 तो यहाँ इंक्लूड है नहीं, तो वैल्यू क्या होगी, देखिए एक्स हमारा इससे बड़ा होगा, इधर से किससे बड़ा होगा, -1 से ग्रेटर देन या इक्वल होगा, ठीक, क्योंकि इसको इंक्लूड किया गया है, इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए लेस देन क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो ये रियल नंबर लाइन पे जो इसका सोल्यूशन होगा वो इस तरीके से होगा। देखिए इसको हम डार्क सर्कल कर देंगे, इसको हम ओपन सर्कल कर देंगे और ये जो पूरी लाइन होगी इसको इस तरीके से हम सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया नंबर लाइन पे, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड राइट द सॉल्यूशन सेट, ठीक है। फॉलोइंग इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और सॉल्यूशन सेट लिखना है, ठीक। चलिए देखिए ये एक पार्ट इसका ये, अब देखिए इधर एक्स इस साइड भी है, इस साइड भी है, ठीक है। तो हमें दो पार्ट करना ही पड़ेगा। तो पहला पार्ट क्या हो गया कि 15x + 4 ये ग्रेटर देन 13x - 5, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स को एक साइड कर रहे हैं, है ना, और कॉन्स्टेंट को एक साइड कर रहे हैं, ठीक। तो 13x को हम इधर लाएंगे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो जाएगा, ये देखिए, और +4 को इधर ले आएंगे, ये भी इधर पॉजिटिव तो इधर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -5 पहले से था, ये हो जाएगा -4, ठीक है। अब 15x - 13x ये सॉल्व होके 2x हो जाएगा, ये -5 - 4 होके -9 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर कोई माइनस नंबर तो है नहीं कि हम माइनस से मल्टीप्लाई करें और इनइक्वालिटी को रिवर्स करें, पॉजिटिव इसलिए कुछ नहीं सोचना आपको। आप 2 को इधर ट्रांसफर करें, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे 2 से 9 को तो ये आपका आ जाएगा -4.5। तो x की एक वैल्यू यहाँ से आ गई -4.5, ठीक है, ग्रेटर देन
है ना। अब देखिए इसके बाद अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट पे हम क्या देख रहे हैं कि सेकंड पार्ट है हमारा कि 15x+4, 15x+4 लेस देन 7x+12, ठीक है, लेस देन 7x+12, और ये दिया है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब 4x को 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड, वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साइड, तो 7x को इधर लाएंगे तो 15x-7x हो जाएगा, ठीक है। 4 उधर जाएगा, 12-4। अब देखिए 15x-7x ये हो गया 8x, 12-4 ये 8 हो गया, तो अब ये आपका 8 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x हो जाएगा लेस देन 8/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1, x लेस देन 1। तो दोनों पार्ट के अलग अलग सोल्यूशन हो गए, ठीक है। हम जानते हैं कि दोनों में जो कॉमन होगा है ना वही इन इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, तो चलिए देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। चलिए x ग्रेटर देन -4.5, चूंकि ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो -4.5 को हम इंक्लूड करते, बट सिर्फ ग्रेटर देन है इसलिए -4.5 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। -4.5 होगा कहाँ, -4 और -5 के बीच में, यहाँ पे कहीं होगा -4.5, इस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है, चूंकि ग्रेटर देन है इसलिए ये हम आएंगे राइट साइड। अब ये देखिए x लेस देन 1, लेस देन 1 तो ये 1 ही आपका है लेस देन, तो लेफ्ट साइड जाएंगे, 1 को भी इंक्लूड नहीं करना है तो ये इस साइड आ जाएंगे हम, यानी कॉमन क्या हुआ, ये पार्ट दोनों में कॉमन है और दोनों में से किसी में है ना, दोनों में से किसी में आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू इंक्लूड नहीं की गई है, ठीक है ना, 1 इंक्लूड किया गया है ना -4.5 इंक्लूड किया गया है। तो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन आपका यहां से लेके यहां तक होगा, बट इन पॉइंट्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स को, ये हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन, ठीक, चूंकि रियल नंबर दिया था है ना, तो इस नंबर लाइन का हर एक पॉइंट रियल नंबर ही होता है, इसलिए पूरी लाइन हमें ये डार्क करनी पड़ती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कैसा वीडियो आपको लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, शुक्रिया।